ये देख सकते हो इधर जो हमारी थार की बैचिंग होती है, इधर पूरी हाइड्रो डिपिंग हुई है कार्बन फिनिश वाली। ये हमारे जो रहते हैं हैंडल्स वगैरह, जहाँ हाथ वाला मतलब लॉक्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे वो हाइड्रो डिपिंग। उसके अलावा ये वाला पार्ट हमारा हाइड्रो डिपिंग हुआ है, यहाँ पे तीन पार्ट्स हुए। उसके अलावा ये हमारे एसी वेंट देख सकते हो, एसी वेंट आते हैं मर्सिडीज वाले, वो मिल जाएंगे आपको, वो जिसमें लाइट जलती है, जिसमें लाइट जलती है रिंग वाली मर्सिडीज वाली वो मिल जाएगी, बाकी इसकी एम्बिएंट लाइट भी मिल जाएगी। ओके ठीक है, ये देख सकते हो इसमें तो हमारे ये ब्रेक में भी काम करेंगे और उसके अलावा जो इंडिकेटर्स में भी चलेगा। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए थार, थार में जो काफ़ी जो है अच्छी वाली मॉडिफिकेशन हो रही है, काम बेसिक है बट वो है ना गाड़ी के लुक में काफ़ी ज़बरदस्त काम हो रहा है। और हम आर के शिवा कार एसेसरीज, एक बार आपको बोर्ड दिखाता हूँ भाई, देख लो आर के शिवा कार एसेसरीज। और अब चलते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी में दिखाता हूँ आपको क्या क्या काम हो रहा है। तो ये रहने वाली हमारी थार, थार में सबसे पहले आप देख सकते हो भाई हमारी जो है इसमें ग्रिल अपग्रेड हो गई है, ये देख लो भाई सकते हो भाई थार में हमारी सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रिल अपग्रेड हो गई है। ये वाली हमको जो है मिलती है रेंज रोवर में, इस तरह की होती ग्रिल, रेंज रोवर वाली ग्रिल ना, यार रेंज रोवर वाली ग्रिल लगी, बम्पर भी पूरा चेंज हुआ है। ये मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ऑफ रोडिंग के लिए तैयार होगी गाड़ी बिल्कुल। ये वाला बम्पर सॉलिड है, थार में इतना सॉलिड नहीं होता बम्पर ना, वो अंदर रखा है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद लाइट वगैरह इसमें चेंज हुई है कैसे देख सकते हो, और बोर्ड है आपको एक बार दिखा दूँ तो वहाँ रखे हैं भाई शिवा कार एसेसरीज, देख सकते हो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, शिवा कार एसेसरीज यहाँ पे आ रखे हम। और ये देख सकते हो भाई ये रहने वाली है थार हमारी, तो थार में भी हमारे काम वगैरह चल रहा है, लाइट वगैरह चेंज हो चुकी है। उसके अलावा ये जो है बम्पर पूरा अपग्रेड हो गया है बम्पर में। उसके अलावा ये लगी है हमारे आईपीएस के प्रोजेक्टर जिसके अंदर डाली गई एचआईडी। थोड़ा दूर से आपको लुक दिखाते हैं गाड़ी की, तो इस तरह की लुक आ रहने वाली है थार की, देख सकते हो इस तरह की आ रही थार हमारी, अच्छी लग रही है गाड़ी। थार वैसे ही आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग आ रही है, उसके बाद उसमें जो ये सब अपग्रेडेशन हो रहे हैं काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और ये टॉप मॉडल है क्या थार का, अंदर की साइड चलते हैं, क्या कर रहे हो भैया अंदर की साइड क्या हो रहा है इसमें? हम आईपीएच के कनेक्शन दे रहे हैं। अच्छा आईपीएच के कनेक्शन चेक हो रहा है, ओके। ये कार्बन फिनिश वगैरह इसमें क्या यहाँ से लगी भैया, पहले लगवा रखी है ये, यहीं से लगी थी। अच्छा यहीं से, अच्छा पहले काम हो चुका है इसमें, पहले काम करा के जा चुके हैं भैया हमारे, आज स्पेशली बम्पर के लिए आए थे। अच्छा जिसमें उनको आईपीएच लगा के थी और बम्पर फिट करा, जब बम्पर और लाइट वाइटों के लिए। और ये आगे ग्रिल भी चेंज करवाई भैया ने, पीछे रिफ्लेक्टर भी लगे हैं ये आपने ना, तो एक बार ब्रेक ब्रेक चलाया भैया, कैमरा भी डाला इसमें, कैमरा कैसे इसमें इसमें काम कर रहा है जो कंपनी से मैं स्क्रीन पेंट हुई थी कार्बन। हाँ ये देख सकते हो कार्बन फिनिश हाइड्रोडिपिंग पेंट हुआ है सारा, ये ग्लॉस आता है, ये ग्लॉस आता है, ये हाइड्रोडिप पेंट है। ठीक है एक बार उधर से भी आते हैं, उधर भी आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हो भैया कहाँ गए, हाइड्रोडिप पेंट है। ठीक है ये इधर भी आपने सारा किया होगा फिर, नहीं इस पे नहीं होता है, नहीं हुआ, ये इधर हुआ है, ये हुआ साइड के पैनल्स हुए हैं। ठीक है आपका ये फ्रेम हुआ है, फ्रेम हुआ है, मीटर हुआ है, ठीक है मीटर मैंने दिखा दिया, पैनल हुआ है जी जी, साइड के डोर पैनल में कई पीसेस हुए हैं। ओके इधर चलते हैं, ये देखो ये तीन पीस यहाँ पे हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उधर से भी एक बार चलते हैं, उधर से भी आपको दिखा देते हैं हम। और उसके अलावा पहले उधर के मैं आपको दिखाता हूँ पीसेस, ये देख सकते हो इधर जो हमारी थार की बैचिंग होती है, इधर पूरी हाइड्रो डिपिंग हुई है कार्बन फिनिश वाली। ये हमारे जो रहते हैं हैंडल्स वगैरह, जहाँ हाथ वाला मतलब लॉक्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे वो हाइड्रो डिपिंग। उसके अलावा ये वाला पार्ट हमारा हाइड्रो डिपिंग हुआ है, यहाँ पे तीन पार्ट्स हुए। उसके अलावा ये हमारे एसी वेंट हैं, आप देख सकते हो एसी वेंट आते हैं मर्सिडीज वाले, वो मिल जाएंगे आपको, वो जिसमें लाइट जलती है, जिसमें लाइट जलती है रिंग वाली मर्सिडीज वाली वो मिल जाएगी, बाकी इसकी एम्बिएंट लाइट भी मिल जाएगी। ओके ठीक है, अगर वो सब चीजें आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो यहाँ पे, हाइड्रो डिपिंग इधर आप देख सकते हो आपको खाली, और उसके अलावा ये इधर हाइड्रो डिपिंग, और इस पे डिपर चल रहा है, वो तो आपका डिपर वर्क करेगा। उसके अलावा पीछे आपको दिखा दें तो पीछे इसमें जो है रिफ्लेक्टर हुए हैं ये भैया, इसमें इंडिकेटर्स में चले खाली ब्रेक में चलेगा ये ब्रेक वाले। अच्छा एक बार चला दोगे भैया? अच्छा चाहिए इंडिकेटर चलाना, वो हैजर्ड लाइट जलाना, नहीं वो नहीं इसमें, तो इसमें आपके जो है ये चल रहे, ये देख सकते हो इसमें तो हमारे ये ब्रेक में भी काम करेंगे और उसके अलावा जो इंडिकेटर्स में भी चलेगा रिफ्लेक्टर।
थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको गाड़ी इस तरह की जो है। इसका कैमरा नीचे लगा हुआ है। अच्छा कहाँ पे डाला हुआ है कैमरा आपने? ये नंबर प्लेट के ऊपर ब्लॉपंग का, तो क्वालिटी अच्छी रहने वाली है, ब्लॉपंग नाम ही काफ़ी है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और अंदर की साइड चलते हैं, तो अंदर की साइड एक बार भैया कैमरे का दिखाना जरा क्वालिटी। बैक गेट डाल के उधर से आता हूँ मैं, बाकी आप देख सकते हो इसमें जो है मतलब वही इंस्टॉलेशन होगी, कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो चल पड़ेगा, क्योंकि वैसे इसमें चलता नहीं है, मतलब वो फिर इसमें चल पड़ेगा। तो मतलब काफी जो है बेसिक मॉडिफिकेशन हुए, बट वही है कि भाई गाड़ी जो भैया ने ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो ऑफ रोडिंग के लिए यूज करना है इसको, उस हिसाब से जो गाड़ी को करवा दिया गया। आगे लाइट वगैरह जो है इसमें हैवी करवा दी गई है कि दूर तक दिखे, और उसके अलावा ये बम्पर जो है ना ये काफी बढ़िया होता है, सॉलिड है बम्पर, तो काफी यूजफुल रहता है ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए, क्योंकि थार गाड़ी सॉलिड है बट बम्पर उसका इतना हैवी नहीं होता इतना, ये फुल मेटल है। और अब लाइट्स वगैरह भी जला कर दिखाते हैं एक बार इसकी, भैया बोनट बंद कर दे भैया, क्योंकि उसके जो है इंस्टॉलेशन वगैरह HID का हो रहा था, वायरिंग वगैरह करके उसको चेक कर रहे थे, तो बोनट बंद हो जाए फिर मैं आपको इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल लुक दिखाऊंगा किस तरह की जो लुक रहने वाली इसकी। काफ़ी ट्रेंडिंग है, आपको दिखाई होगी भाई ये वाली लाइट जो है आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है थार में, काफ़ी सारी थार में ये लाइट जो है चेंज हो चुकी है। मैं एक बार भैया डिपर मार के दिखा रहा हूं, इसमें मैं आपको उसमें हाई बीम भी दिखा देता हूँ, ये देखो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ सो दैट आप इस चीज़ को एनालाइज कर सको। और उसके अलावा भाई लुक तो खैर आ रही है, तो सारा काम हुआ है थार में। अब जिनकी गाड़ी है भैया उनका फीडबैक लेते हैं, क्या कहना है काम के बारे में, एक बार बात करते हैं उनसे। भैया आ जाए हमारे यहाँ थार लेके, भैया से बात करते हैं, भैया क्या कहना है काम के बारे में? काम बहुत अच्छा हुआ है, ग्रिल बम्पर लाइट फॉग लाइट प्रोजेक्टर वगैरह सब बढ़िया हो गया है, डिम्पल मैंने सब करा दिया, जो अब एक्सपेक्टेशंस करके आए थे वैसे काम मिला, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा अच्छा ही हुआ है काम। तो पहले भी आ चुके हो या मतलब? हाँ मैं थर्ड टाइम आ रहा हूँ भैया के पास, सारा काम गाड़ी में सारा काम डिम्पल भैया ने ही करा है। ठीक है, तो आज जो काम हुआ है क्या कॉस्ट है इसमें भैया? ये मेरा लगभग 33,000 के अराउंड कॉस्ट आई है, जिसमें बम्पर था और प्रोजेक्टर था, मतलब जो आप प्लान करके आए थे बजट में हो गया ना? बजट में हो गया काम भैया का। ये भी है कि जो पहले काम था वो भी सारा हो गया है, पहले भी हम लोगों ने किया था इसमें पूरा इंटीरियर किया था, तो उस टाइम वीडियो नहीं बनी थी, आज पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर सारा दिखाया, जैसे वो कार्बन फिनिश वगैरह, कार्बन फिनिश वगैरह हो गया, हेडलाइट चेंज हुई थी जिसमें ग्रिल है, पूरा बम्पर चेंज वगैरह हो गया, बाकी इन फ्यूचर में भैया अभी और क्या क्या कराते हैं पता है। अच्छा अभी मतलब थार में और कुछ अपग्रेड प्लान कर रहे हो भैया? थोड़ा बहुत अपग्रेड कर रहे हैं, जैसा होता है आती है नई नई चीजें इसमें तो आती रहती हैं, देखते हैं क्या बनता है, तो वो भी यहीं से कराओगे? मतलब थैंक यू भैया। ओके भैया।